हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहां सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केम ती अच्छन ती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दैनिक राशि फल के बारे में कि आपका समय 12 और 13 मई का 12 और 13 मई का कैसा रहने वाला है, क्योंकि 10 और 11 का हमने आपको बता रखा है। 12 मई को चंद्रदेव कन्या राशि में रहेंगे और 13 मई को भी चंद्रदेव कन्या राशि में ही रहेंगे। वैसे जाएंगे तो 14 मई को ही कन्या राशि में ही रहेंगे, लेकिन सुबह सुबह वो वहां पे खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ 12 और 13 मई का ही मैं राशि फल बताने जा रहा हूं आपको, फिर अगले वीडियो में 14-15 को बताऊंगा। 12 मई को एकादशी तिथि है, गुरुवार का दिन है, सूर्योदय 5:03 सुबह में होगा और चंद्रदेव कन्या राशि में रहेंगे। सूर्यास्त शाम को 6:23 में होंगे और आज का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:16 AM से लेकर के 12:10 PM तक का है 12 मई का। 13 मई को द्वादशी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, कन्या राशि में चंद्रदेव रहेंगे। शुभ मुहूर्त 11:16 AM से लेकर के 12:10 PM तक रहेंगे। आइए अब चर्चा को शुरू करते हैं और आपको बताता हूं कि क्या कैसे इन दो दिनों में आपके साथ होने वाला है, क्या कहती है आपकी राशिफल चर्चा। मेष राशि से शुरू करेंगे। मेष राशि वालों के लिए जो चंद्रदेव हैं, ये हमारा राशिफल चंद्रमा के गोचर पर में आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है। जिस व्यक्ति की जन्म राशि जानकारी है उनको वो जन्म राशि के आधार पे देखे, जिस व्यक्ति को जन्म राशि का कोई अंदाजा नहीं है वो चंद्र राशि के आधार पर में देखें, नाम राशि के आधार पर में देखें। और जैसे कि मेरा जन्म राशि कुंडली के अनुसार कुंभ है और नाम मेरा राजा है, तो मुझे अगर नहीं मालूम है कि मेरी राशि कुंभ है तो मैं राजा यानी कि तुला राशि से अपनी राशि फल देखूंगा। इसी प्रकार से आपको भी देखने हैं। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो है सो यहां पर में रहेंगे, मेष के लिए चंद्रदेव रहेंगे यहां पर में कुंडली के छठे भाव में। यहां पर में चंद्रदेव के बैठने के कारण मेष राशि वालों को 12 मई और 13 मई को क्या क्या रिजल्ट मिलने वाला है, क्या अच्छा मिलने वाला है, क्या बुरा मिलने वाला है, महर्षि क्या कह रहे हैं, इन चीजों को समझने का प्रयास करें। महर्षि कह रहे हैं कि गोचर कुंडली के छठे भाव में अगर मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा आ जाए तो उनको अचानक से कुछ धन लाभ प्राप्ति का योग बनता है, अचानक से कुछ धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। आपको कहीं ना कहीं से जो है कुछ पैसा प्राप्त हो सकता है, जहां पर मैं आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था, पैसा आपका हो सकता है कि वहां पर मैं पड़ा हुआ हो, लेकिन ऐसा कि आपका वहां से एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अभी पैसे आने वाले हैं और आपको पैसे रैंडम अचानक से जो है वहां से मिल सकते हैं। अथवा कहीं पर मैं जा रहे हो, रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया, घिरा हुआ मिल गया, किसी बिजनेस में आपका फायदा हो गया, इत्यादि किसी ना किसी प्रकार से महर्षि का कहना है कि मेष राशि वालों को इस समय में धन लाभ का योग जो है सो बन रहा है और आपको वो योग प्राप्त होगा 12 और 13 मई को। यानी कि मेष राशि वालों को अचानक से कुछ धन लाभ के योग बनेंगे, ऐसा महर्षि का कहना है, क्योंकि छठे भाव में चंद्रदेव आ चुके हैं। आगे कह रहे हैं महर्षि कि स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा। अब देखो, लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा यहाँ पर आ जाए तो वो भारी नुकसानदायक हो जाता है, मार्केश का योग बन जाता है, बालक ग्रह कुंडली में बन जाती है, भयंकर बीमारी का परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहीं पर में गोचर में जब ये आ रही है तो ये आपके लिए फायदेमंद है, आपको ये रोग नहीं दे रही है, आपको रोग से ये सुरक्षा कवच दे रही है, रोग से आपको ये चंद्रदेव यहाँ पर में आपको ये बचा रहे हैं।
यानी कि चंद्रमा जो है यहाँ पर बैठने के कारण मेष राशि वालों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा 12 और 13 मई का। आगे कह रहे हैं महर्षि कि यश और आनंद की भी प्राप्ति होती है, आपको यश की भी प्राप्ति होगी और आपको आनंद भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। बहुत कम लोगों को जीवन में मित्रों यश की प्राप्ति होती है। यश एक ऐसा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे करके वो कुछ न कुछ करके देता ही रहता है आपको। ये एक ऐसा धन है जो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा जिस व्यक्ति को चाहिए उसको जीवन में यश की प्राप्ति होनी परम आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि आपको मेष राशि वाले यश की भी प्राप्ति का जो है सो योग बन रहा है। आगे महर्षि कह रहे हैं कि यश ही नहीं आनंद की भी प्राप्ति होगी। आनंद ही भगवान है देवी और सज्जनों, आप सुनते होंगे कहते होंगे बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, यानी कि आनंद ही भगवान है। हम पूजा पाठ जप तप क्यों करते हैं? खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, यानी कि आनंद की प्राप्ति के लिए। और अगर आपको ऐसे ही आनंद मिलने लगे तो आपको पूजा पाठ जब तक की आवश्यकता ही क्या है, नहीं? तो इसीलिए आनंद की प्राप्ति मेष राशि वालों को इस समय में होने जा रही है, ऐसा महर्षि का कहना है। महर्षि कह रहे हैं आगे कि महिलाओं से भी मेष राशि वालों का 12 और 13 मई को जो है सो संपर्क बढ़ने वाला है। 12 और 13 मई को महिलाओं के साथ भी इनका संपर्क बढ़ेगा। आगे महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं घर में भी सुख की प्राप्ति होगी, घर में भी सुखी वातावरण रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, बड़े सुख के साथ जो है सो आप आगे बढ़ेंगे। देवी और सज्जनों आगे कहना है महर्षि का कि शत्रुओं पर में भी विजय की प्राप्ति होती है, दुश्मनों पर में भी अपना विजय पताखा जो है सो आप लहराने में सक्षम हो जाते हो और उस पर में भी अपना विजय ध्वज जो है खड़े कर देते हो, यानी कि शत्रु की पराजय होगी और मेष राशि वालों की विजय होगी। आगे कहते हैं कि रोग का भी नाश होगा, रोग का भी नाश होगा। अगर किसी प्रकार की बीमारी है जो ज्यादा परेशान कर रही थी तो 12 और 13 मई को उसमें कमी आएगी, वो कम परेशान करेगी। आगे कह रहे हैं लेकिन खर्चा अधिक होगा, खर्चा जो है सो ज्यादा होगा, धन का व्यय ज्यादा होगा, इसीलिए आपको खर्च पर में थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। मैं इसके बाद वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या, वृषभ राशि वालों के लिए ये हो गए, वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव आपके कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए 12 मई और 13 मई का समय कैसा रहेगा, क्या कहते हैं चंद्रदेव उसको? चंद्रदेव कह रहे हैं कि पंचम स्थान में अगर वृषभ राशि वालों के लिए गोचर बस चंद्रमा आ जाए तो वृषभ राशि वालों को कष्ट की प्राप्ति होती है, कुछ कष्ट भोगना पड़ेगा, कुछ चाहे वो शारीरिक कष्ट हो चाहे वो मानसिक कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो आपको कुछ कष्ट भोगना पड़ सकता है। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों महर्षि कह रहे हैं कि कष्ट के साथ साथ दुर्घटना की भी संभावना बड़ी होती है, इसीलिए सावधानी के साथ चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। वृषभ राशि वाले यात्रा में खास करके कष्ट के योग हैं, दुर्घटना के योग हैं, इसीलिए वृषभ राशि वालों को चाहिए कि 12 और 13 मई को विशेष यात्रा ना करें, ज़्यादा दूर का सफर ना करें, मिला जुला करके आस पास में ही रहने का प्रयास करें। हो सके तो कहीं जाना है अगर तो उस प्लान को अभी आप पोस्टपोन कर दें, अभी आप घर पर में ही रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है वो यात्रा आपके लिए कहीं ज़्यादा ना कष्टकारी हो जाए, इसीलिए सावधान। आगे कह रहे हैं कि कार्य भी सफल नहीं होगा, अगर आप जाते भी हो मान लो कि जोर जबरदस्ती करके कि रिस्क लेके चले जाते हैं, तो महर्षि का कहना है कि जाने में भी दिक्कत नहीं है लेकिन आपका जो है कार्य जो है वो भी तो सफल होना चाहिए, तो वो भी सफल नहीं होगा। अब जब कार्य ही सफल नहीं होगा तो रिस्क लेने का क्या फायदा, इसीलिए सावधानी के साथ
इस समय में काम करना है। आगे कह रहे हैं महर्षि कि मन में भी अशांति बनी रहेगी 12 मई और 13 मई को, मन थोड़ा सा चंचल रहेगा, मन शांत नहीं रहेगा, मन आपका थोड़ा सा अशांत रहेगा इस समय में। थोड़ा सा सावधानी के साथ आपको चलना होगा, थोड़ा सा संभल करके चलना होगा, थोड़ा सा बच करके चलना होगा आपको। महर्षि आगे कह रहे हैं कि धन की हानि भी होती है, यानी कि 12 और 13 मई को यहाँ पर में चंद्रदेव के बैठने के कारण आपके लिए धन हानि का भी योग बन रहा है, धन की भी हानि हो, धन पैसा आपके पास में इस समय में नहीं बच पाए, आप उसको बचा पाने में सक्षम जो है सो नहीं होंगे। देवी और सज्जनों आगे कह रहे हैं महर्षि कि पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है उल्टी हो जाए, हो सकता है दस्त हो जाए, हो सकता है डायरिया इत्यादि। गर्मी का समय है और चंद्रदेव यहाँ पर में मारक स्थिति में बैठ गए हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं है, तब तो महर्षि कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर में चंद्रदेव के बैठने के कारण पेट से संबंधित कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए सावधानी के साथ चलने की आपको आवश्यकता है। आगे महर्षि कह रहे हैं कि काम वासना में वृद्धि होगी, कामुक प्रवृत्ति आपका बड़ा तेज हो जाएगा इस समय, सेक्स के प्रति ध्यान आपका बहुत जाएगा, बहुत उधर रुझान रहेगी, आप अपने मन पर में कंट्रोल करने का प्रयास तो करेंगे लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि चंद्रदेव यहाँ पर में बैठ करके आपके मन में काम और वासना की इच्छा जो है उसको विशेष तौर पर में ज्यादा से ज्यादा जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। देवी और सज्जनों आपको मैं बता दूं कि और कह रहे हैं कि इस समय में आप किसी व्यक्ति का उचित सलाह मानेंगे भी नहीं और किसी को उचित सलाह देंगे भी नहीं, यहाँ पर में चंद्रदेव के बैठने के कारण महर्षि का ये मत है जो आपके लिए अच्छा नहीं। इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, जैसे कि पांचवा भाव देवी और सज्जनों आपके संतान का होता है, तो इस समय में आप संतान को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हो सकते हो, संतान को लेकर के थोड़े से परेशान हो सकते हो, आपकी संतान आपका कहना बहुत कम मानेगी, हो सकता है इस समय में संतान का ही कुछ हेल्थ वाइज इशू आ जाए, हो सकता है उसी को लेकर के कुछ आपको परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि संतान के घर में बैठ करके चंद्रदेव आपको परेशानी में डालना चाह रहे हैं, तो संतान को लेकर के कुछ चिंताएं मन में सता सकती है। ये जो भाव है आपके खुद के विद्या और बुद्धि का भी होता है, तो जिसके कारण से आपको विद्या और बुद्धि की भी प्राप्ति जो है बड़ा मुश्किल से हो पाएगी, जो विद्या बुद्धि है आपके पास में उसका भी सही तरीके से आप इस्तेमाल जो है इस समय में नहीं कर पाएंगे। जहां तक बात है आपके लव अफेयर वगैरह की, तो उसमें भी अभी आपको सफलता इन दो दिनों में नहीं मिलेगी, उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों ये जो भाव है पांचवा, वो आपके यश का भी होता है और चाहने वालों की संख्या का भी होता है। चंद्रदेव के यहाँ बैठने के कारण आपके चाहने वालों की संख्या में भी जो वृद्धि होना चाहिए वो वृद्धि आपको नहीं देखने को मिलेगा, उसमें कमी देखने को मिलेगी, जो यश में वृद्धि होनी चाहिए वो यश में भी वृद्धि नहीं होगी। देवी और सज्जनों ये जो भाव है आपके पेट का भी होता है, तो पेट से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है ऐसा, क्योंकि चंद्रदेव मारक स्थिति में बैठे हुए हैं। इसकी सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर में है, जिसके कारण से आप आय में भी कुछ कमी देखोगे, इनकम के सोर्स में आमदनी में भी जो आप चाहोगे वो आमदनी नहीं मिलेगी आपको इस समय, उपलब्धि की प्राप्ति में भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ये चंद्रदेव इच्छा पूर्ति में भी बाधक बनेगी, आप जो इच्छा की पूर्ति चाह रहे हैं, आपकी जो इच्छा है, आपका जो मन है और उसका जो आप लाभ लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं या मैं ये चाहती हूं ये हो जाए, वो नहीं होने देंगे इन दो दिनों में 12 और 13 मई को, नहीं मिल पाएगा आपको।
सीनियर्स का भी सपोर्ट इस समय में बड़ा मुश्किल से ही आपको प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए वृषभ राशि वालों को उपाय करने की परम आवश्यकता है। वृषभ राशि वाले ओम चंद्रमसे नवा मंत्र का 5-5 बार 12 तारीख को और 13 तारीख को दोनों दिन जो है जाप निश्चित तौर पे करें। अगर पॉसिबल हो तो एक एक माला कर लें, नहीं पॉसिबल हो तो कम से कम 5-5 बार भी जरूर कर लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। वृषभ के बाद मिथुन की चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए जो है सो समय ये कैसा रहेगा 12 और 13। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। गोचर कुंडली चौथे भाव में चंद्रदेव के आने का मिथुन राशि वालों को क्या परिणाम भुगतना होगा, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि चंद्र से चतुर्थ स्थान में चंद्रमा के आने के कारण, यानी कि ये चंद्र कुंडली है, ये गोचर कुंडली है, और यहां से चंद्रमा चतुर्थ भाव में मिथुन राशि वालों के लिए देख लो मिथुन कर्क सिंह और कन्या, यहां पर मैं कन्या राशि में चंद्रमा आ गए, तो कन्या राशि में चंद्रमा के आने के कारण मिथुन राशि वालों को क्या फल मिलेगा उसी को राशि फल कहेंगे। तो कह रहे हैं कि इस समय में मिथुन राशि वालों को अपने घरों में अपने लोगों से ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वाद विवाद टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा भी का कुछ सामना करना पड़ सकता है। परिवार में ही एक दूसरे के साथ कहा सुनी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, एक दूसरे के साथ लोग बहस करना शुरू कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे, ये इनका प्रभाव है। आगे कह रहे हैं कि चित्त चंचल रहेगा, यानी कि मन भी जो है इस समय में बहुत ज्यादा शांत नहीं रहेगा, मिथुन राशि वालों का मन भी चंचल रहेगा, और कह रहे हैं कि छाती में भी विकार की संभावना हो सकती है, कुछ छाती में दर्द गैस का भर जाना कुछ जलन इत्यादि कुछ भी जो भी हो कुछ भी समस्या हो सकती है तो वो आपको परेशान कर सकती है, ऐसी संभावना है। आगे कह रहे हैं कि भोजन भी समय पर में इस समय में मिथुन राशि वालों को 12 और 13 मई को मिलना थोड़ा मुश्किल है, भोजन समय पर में आपको इस समय में नहीं मिल पाएगा, उसमें भी विलंब होगा और मनपसंद भोजन नहीं, या तो मनपसंद भोजन नहीं मिलेगा या विलंब से भोजन प्राप्त करोगे। निंद में भी कुछ बाधा की संभावना बता रहे हैं महर्षि कि भोजन के साथ साथ जो है सो निंद में भी बाधा उत्पन्न होती है, सोने जाओगे कोई जगा देगा, सोने जाओगे कोई हल्ला गुल्ला करता रहेगा, कहीं गाना बजता है कहीं म्यूजिक बज रहा है कोई बातचीत कर किसी का कॉल आ गया, किसी न किसी कारण से निंद में भी कुछ परेशानी, कुछ सोचते सोचते लेट नाइट हो गए तो किसी न किसी कारण से कुछ निंद में भी परेशानी के योग बन रहे हैं, ऐसा महर्षि कह रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। आगे कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि जल और पुरुष वर्ग को स्त्री से भय है और स्त्री वर्ग को जल और पुरुष वर्ग से भय है। इस समय में जल में नदी नाला तालाब समंदर गंगा जमुना सरस्वती इन सब में जाने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, जो महिला वर्ग के लोग हैं मिथुन राशि के वो पुरुष के संगत में आने से इन दो दिनों में बचे, और जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो महिला के संगत में आने से इन दो दिनों में बचे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि समाज में भी कुछ अपमान का जो भय है वो मिथुन राशि वालों को प्राप्ति हो सकती है, सामाजिक तौर पर में भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, वहां से भी कुछ आपको परेशानी आ सकती है, इसीलिए आपको चाहिए कि आप इन सब से बच के रहें। इसको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ये चौथा भाव देवी और सज्जनों सुख का होता है, तो मिथुन राशि वालों को सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग कुछ टेंशन तनाव चिंता, माता को कुछ हेल्थ वाई इशू या अनबन की स्थिति, और इसकी सातवीं दृष्टि चतुर्दशम भाव पर में जिसके कारण से जो है सो माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी किसी प्रकार की
परेशानी के साथ साथ पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कुछ कमी आ सकती है। और इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि आपका खुद का जो काम धंधा है वो भी बहुत अच्छे बेहतर तरीके से नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये भाव काम धंधा का भी होता है। हो सकता है मालिक के साथ, ऑनर के साथ, सरकार के साथ भी कुछ मन में विवाद करने की इच्छा जो है उत्पन्न हो जाए, इसीलिए सावधानी के साथ चलना है, ऐसे इच्छाओं का त्याग कर देना है। देवी और सज्जनों, मिथुन के बाद अब हम लोग कर्क राशि की चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय है कि दोनों दिन थोड़ा थोड़ा चीनी लेकर के जो है सो चींटी को डाल देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, चंद्रमा आपके कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरे भाव में आने के कारण गोचर में चंद्रमा 12 और 13 मई का समय कैसा रहेगा, इसके बारे में महर्षि का क्या मत है, आइए सुनते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि तीसरे भाव में चंद्रमा के आने से धन की प्राप्ति होती है। आपको भी मिथुन कर्क राशि वाले कुछ धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। आगे कह रहे हैं कि वस्त्र का भी सुख मिलेगा, बढ़िया कपड़ा भी देखने को मिलेगा, बढ़िया कपड़ा भी जो है पहनने को मिलेगा, बढ़िया कपड़ा का सुख प्राप्त होगा। आगे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं महर्षि, अच्छा ये भी कह रहे हैं कि शत्रुओं पर में भी विजय प्राप्त करोगे, आप शत्रु जयी बनोगे, दुश्मनों का आपके सामने कुछ चल नहीं पाएगा इन दो दिनों में। कर्क राशि वाले अगर वो चलाने की कोशिश करेंगे तो उनकी सामत ही समझो, क्योंकि इन दो दिनों में आपका दुश्मनों पर में जो है सो विजय का योग है और आप दुश्मनों पर में विजय प्राप्त करोगे। आगे कह रहे हैं कि मन भी प्रसन्न रहेगा और प्रेमी अथवा प्रेमिकाओं के साथ सहवास का सुख भी प्राप्त होगा, वक्त बिताने का भी मौका आपको मिलेगा, ऐसा महर्षि का कहना है। आगे कह रहे हैं कि बंधु जनों से भी लाभ मिलेगा, व्यक्ति से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि। इसको थोड़ा सा मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं चंद्रदेव कर्क राशि वालों के लिए बैठे हुए हैं, तो ये तीसरा भाव छोटे भाई बहन जूनियर्स का होता है, तो इन सब से आपको कुछ लाभ के योग जो है सो बनेंगे, वहां से कुछ फायदा होगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको इसके अलावा जो है सो पराक्रम में भी वृद्धि होगी, आप बड़े पराक्रमी इस समय में बने रहोगे। इन दो दिनों में अपने पराक्रम के बलबूते पर में कुछ भी करने के लिए सक्षम रहोगे, धैर्य भी मजबूत रहेगा, गुप्त शत्रु जो है वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसका भी नाश होगा। ये जो तीसरा भाव है आपके गले का, नाक का, श्वसन अंग का भी होता है, तो इन सब के रिगार्डिंग भी आपको जो है सो कुछ परेशानी नहीं होगी। अगर पहले से कुछ परेशानी है तो उन सब से भी आपको निजात मिलेगा अथवा राहत मिलेगी। आपके भुजा का, हाथों का भी घर जो है यही होता है, तो इस समय में भुजा में भी बल का एहसास होगा, बड़े अपने आप को आप ताकतवर महसूस करोगे। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि यहां से दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी आपको जो है शुभ मौका प्राप्त होगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म का भी पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का भी आशीर्वाद प्राप्त। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि हर मामले में कर्क राशि वालों के लिए समय बढ़िया है। कर्क के बाद अब सिंह राशि की चर्चा करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव चले आएंगे कुंडली के दूसरे भाव में। दूसरे भाव में आने से क्या फल की प्राप्ति होगी सिंह राशि वालों? महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा अगर सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में आ जाए तो उतने समय के लिए, जैसे कि 12 और 13 मई के लिए, आपको असंतोष की प्राप्ति होगी। इस समय में आपको संतोष जो है सो नहीं मिलेगा।
इस समय मन आपका संतुष्ट नहीं रहेगा और संतोष की आपको प्राप्ति होगी। आगे कह रहे हैं कि परिवार के लोगों से भी नहीं बनेगी, कुटुंब के साथ भी टेंशन तनाव का योग बनेगा, नेत्र में भी पीड़ा, आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अथवा कोई दूसरा अन्य रोग भी आपको इस समय में परेशान कर सकता है। आगे कह रहे हैं कि अच्छा भोजन व सुख प्राप्त नहीं होगा। इस समय में अगर आप चाहोगे जो बढ़िया भोजन आपको मिल जाए, सही समय पर में मिल जाए, मन पसंद मिल जाए, तो वो इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी, उसमें भी विभिन्न प्रकार का परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं महर्षि कि कार्य जो करने की कोशिश करोगे वहां भी कुछ असफलता ही हाथ लगेगी, सफलता वाली बात नहीं है। पाप कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है और विद्या प्राप्ति के प्रति जो है मन में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। इसको सामान्य भाषा में अगर समझा दूं तो ये दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति का होता है। इस समय में अगर आप पैसा जमा करने की कोशिश करोगे तो वो आप नहीं कर पाओगे, अथवा दूसरे शब्दों में कहूं तो जमा पूंजी भी जो है सो आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाएगा, निकलने की कोशिश करेगा, आपके हाथों से जो है पैसा टिकेगा नहीं, जमा में से निकलता चला जाएगा। आपको मैं बता दूं देवी और सज्जनों कि दूसरा भाव आपके वाणी का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में तीखे शब्द का, रूखे शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, जिसके कारण से टेंशन तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। पड़ोसी के साथ भी कुछ लड़ाई झगड़ा कर सकते हो और पड़ोसी के साथ साथ अपने परिवार में भी कुछ आप कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से कुछ धनहानि के भी योग बनेंगे, अचानक से अनुभव करोगे 12 और 13 मई को कि बनता हुआ काम भी बिगड़ने लगेगा, और अचानक से अनुभव करोगे जो काम अभी होने वाला था, अभी फाइनल हो चुका था और वो रैंडम किसी न किसी कारणवश नहीं हुआ, इस प्रकार की चीजें भी सामने देखने को मिली। सिंह राशि वालों को चाहिए कि थोड़ा सा जल में दूध मिला करके महादेव को चढ़ाएं, दोनों दिन इनके लिए बढ़िया रहेगा। सिंह के बाद कन्या राशि की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव कन्या राशि में ही बैठे हुए हैं, कुंडली के प्रथम भाव में ही। इस पर में महर्षि का क्या कहना है उसको सुनिए। महर्षि कह रहे हैं कि गोचर बस जब चंद्रमा कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के गोचर कुंडली के प्रथम भाव में ही आ जाए तो उसको सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, यानी कि सुख भी मिलता है और आनंद की भी प्राप्ति होती है, रोग मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति। बीमारी इन दो दिनों में आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, और अगर पहले से कोई बीमारी है तो उसमें भी इस समय में आपको राहत देखने को मिलेगा। आगे कह रहे हैं कि उत्तम भोजन यानी कि बढ़िया खाना पीना देखने को मिलेगा, बढ़िया कपड़ा, सैया सुख की प्राप्ति, स्त्री के साथ संभोग का अवसर, उपहार और धन की भी प्राप्ति का योग बना रहे हैं चंद्रदेव कन्या राशि वालों के लिए। देवी और सज्जनों, ये पहला भाव आपके तन का, शरीर का होता है, शरीर इस समय में मजबूत चुस्त और फुर्ती रहेगा। ये आपके मस्तिष्क का होता है, दिमाग भी आपका काफी तेजी से और बढ़िया चलेगा। देवी और सज्जनों, ये जो घर है आपके लिए और भी बहुत सारी चीजों का होता है, जैसे कि विनम्रता का, विनम्रता बनी रहेगी, विवेक का, विवेक में वृद्धि होगी, धैर्य का, धैर्य मजबूत होगा, बल का, बल की प्राप्ति होगी, हर मामले में बढ़िया। और इसकी सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर में दाम्पत्य जीवन का सुख भी प्राप्त होगा, पति पत्नी के संबंध भी अच्छे रहेंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है, अगर विवाह की बातें चल रही है तो इस समय बातें आगे बढ़ेंगी। काम और वासना की पूर्ति की भी व्यवस्था जो है चंद्रदेव करेंगे, और आपका दैनिक रोजगार व्यवसाय जहाँ पे 5 रुपये डेली कमा रहे थे तो यहाँ पर में 12-13 तारीख को 7 रुपये की आमदनी के योग बढ़ेंगे, 6.5-7 और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि जितनी आमदनी थी उससे कुछ बढ़ने के योग आपके लिए चंद्रदेव बना देंगे। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो सातवां भाव है आपके प्रत्यक्ष दुश्मन का भी होता है, यानी कि वो भी अगर आपसे इस समय में टकराने की कोशिश करेगा तो वो बच नहीं पाएगा आपके प्रताप से। इस समय में वही बात होगी कि जो हमसे टकराएगा
चूर चूर हो जाएगा, यानी कि उसको भी आप इस समय में नहीं छोड़ोगे। अगर आपको लिंग योनि गुदा मार्ग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी इस समय में राहत देखने को आपको मिलेगी। अब हम लोग तुला राशि की चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों के लिए 12 और 13 मई का समय कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए देख लो कि चंद्रदेव आ जाएंगे यहाँ पर में तुला के लिए और चंद्र आ गए यहाँ पर 12वें भाव पर में। भैया तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव का क्या फल है 12 और 13 मई का वो सुनो। महर्षि कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि चंद्रमा से अगर 12वें भाव में तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाए तो उनको शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट का भोग करना पड़ता है, कुछ कष्ट की प्राप्ति होती है, आपको कुछ कष्ट भोगना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं कि विशेष करके आँखों से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है, धन और मान की भी हानि होती है, आपको कुछ पैसों से संबंधित भी नुकसान और मान सम्मान से संबंधित भी तुला राशि वालों को नुकसान हो सकता है। कह रहे हैं कि पुत्रादि का सहयोग भी इस समय में बहुत प्राप्त नहीं हो पाता, बच्चे भी आपकी बहुत ज्यादा नहीं सुनते, बहुत मदद नहीं करते। आगे कह रहे हैं कि मानसिक चिंताएं भी बढ़ जाती है, मेंटली तौर पर में मानसिक रूप पर में आपकी कुछ चिंता भी जो है आपको परेशान करती है। देवी और सज्जनों खर्चा अधिक बढ़ जाता है और पैसे की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा 12 और 13 मई को। इसको आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करोगे तो इस प्रकार से समझो, ये जो भाव है देवी और सज्जनों 12वां, ये है खर्चा का भाव। खर्चा के भाव में चंद्रदेव के आने के कारण 12 और 13 मई को आपको खर्चा ज्यादा होगा। ये सैया सुख का भाव है तो निंद में सैया सुख में भी कमी का सामना करना पड़ेगा। ये जो भाव है धन हानि का है तो धन की भी कुछ हानि होगी। विदेश में जो लोग रहते हैं अथवा विदेश से जिनका कारोबार चल रहा है उनको विदेश से धन लाभ का भी योग बनेगा। अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट होगा। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी परेशान कर सकती है और पांव में दर्द वगैरह आपको 12 और 13 मई को परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 7वीं 6ठे भाव पर में, दुश्मन भी कुछ परेशान करेगा, चिंता में भी वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का भी कुछ सामना करना पड़ सकता है, कुछ भगवान ना करे कर्ज वगैरह ले रखे हो तो वहां से भी कुछ परेशानी, लड़ाई झगड़ा ना करोगे तो बेहतर रहेगा, पेट से संबंधित कुछ परेशानी, मानसिक अशांति, अपयस कलंक शोक और दुख की भी कुछ प्राप्ति आपको हो सकती है, इसीलिए सावधानी के साथ आपको काम करना चाहिए नहीं तो परेशानी। तुला राशि वालों के लिए उपाय है कि ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 12 और 13 मई को 5-5 बार कम से कम जाप कर लें, अच्छा रहेगा। तुला के बाद अब चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये देखो गलती दिखा दिया। वृश्चिक के लिए चर्चा करेंगे और चंद्रदेव आ जाएंगे एकादश भाव में। एकादश भाव में चंद्रदेव के आने के कारण वृश्चिक राशि वालों को क्या प्राप्त होगा? वृश्चिक राशि वालों को एकादश भाव में चंद्रदेव के आने के कारण कह रहे हैं कि आपको आय में वृद्धि होगी, पैसे की प्राप्ति होगी और कह रहे हैं कि व्यापार में भी पर्याप्त लाभ होगा। आगे कह रहे हैं कि पुत्रादि का भी सुख प्राप्त होगा और उत्तम भोजन समय से प्राप्त होंगे, मित्रों से हास परिहास और स्त्री सुख में भी समय आपका व्यतीत होगा। आगे कह रहे हैं कि प्रफुल्लित मन महत्वाकांक्षा पूर्ति की ओर अग्रसर होगी और स्त्री पक्ष से भी आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना रहेगी। तरल पदार्थ में अगर आपका कुछ काम है लिक्विड में तो उसमें से आय में विशेष वृद्धि के योग बने। इसको आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ, जैसे कि ये
एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो आय में वृद्धि होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा जो बूढ़े वर्ग के लोग होंगे, सातवीं दृष्टि जो है पंचम भाव पर में संतान का सुख भी मिलेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे और यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, पेट से संबंधित परेशानी से राहत महसूस होगी। वृश्चिक के बाद अब धनु राशि की चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे कुंडली के दशम भाव। दशम भाव में चंद्रदेव के आने के कारण धनु राशि वालों को बहुत बढ़िया फल मिलेगा। कह रहे हैं कि चंद्र से दशम स्थान में गोचर व चंद्रमा के जाने पर अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाह रहे हो उस कार्य की सिद्धि का योग भी चंद्रदेव आपके लिए बना रहे हैं। धनु राशि वाले सभी कार्य 12 और 13 तारीख को सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। जातक का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, यानी कि हेल्थ संबंधित परेशानी जो है आपकी वो दूर होगी और उसमें आप राहत महसूस करोगे। आगे कह रहे हैं, इतना ही नहीं, आगे कह रहे हैं कि सरकार के तरफ से भी कुछ मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सरकार नहीं तो मालिक के तरफ से, ऑनर के तरफ से, सीनियर के तरफ से, बड़े बुजुर्ग के तरफ से कहीं ना कहीं से कुछ मान सम्मान की प्राप्ति का आपके लिए विशेष योग बन रहा है। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, नौकरी में हो सकता है तो प्रमोशन की बात चले, कुछ लाभ मिले, कुछ फायदा मिले, किसी न किसी कारण से कुछ फायदे के आपके लिए चंद्रदेव यहाँ पर में योग जो है धनु राशि वाले बनाए। आगे कह रहे हैं कि उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे और उत्तम गृह के सुख का भी आपके लिए योग बनेगा। धनु के बाद अब मकर राशि की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे कुंडली के नवम भाव में, जिसके कारण से क्या होगा, कह रहे हैं कि मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव जब नवम भाव में आएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको चंद्रमा के गोचर वश नवम भाव में आने के कारण मालिक के तरफ से परेशानी का कुछ सामना करना पड़ेगा, व्यवसाय में कुछ हानि उठाने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, बच्चों के साथ कुछ मतभेद और उनका स्वास्थ्य भी नरम रह सकता है, पेट से संबंधित, छाती से संबंधित किसी प्रकार की कोई माइनर समस्या भी उनको परेशान कर सकती है। आगे कह रहे हैं कि आपका भाग्य समय में 12 और 13 तारीख को बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा। आगे कह रहे हैं कि भाग्य के साथ साथ आपको दुश्मन भी परेशान करेंगे और मालिक के तरफ से, सीनियर्स के तरफ से, बड़े लोगों के तरफ से भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए, उनको 12 और 13 तारीख को ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का एक एक माला जाप कर लेना चाहिए, उनके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव चले आएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में चंद्रदेव के आने के कारण कुंभ राशि वालों को क्या मिलेगा, महर्षि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अष्टम भाव में गोचर बस अगर चंद्रमा कुंभ राशि वालों के लिए आ जाए तो उसको अपच की समस्या हो जाती है, हो सकता है भोजन ज्यादा कर ले, कुछ खांसी परेशान कर सकता है, कुछ छाती में कुछ गैस वगैरह, जलन वगैरह कुछ परेशान कर सकती है। कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा विवाद मानसिक कलेश भी कुछ जो है सो परेशान आपको कर सकता है। आगे कह रहे हैं, इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं कि नियत समय पर में बढ़िया अच्छा मनपसंद भोजन भी नहीं मिलता है और कह रहे हैं कि अचानक से कुछ बड़े कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है और आपके धन की भी हानि जो है सो इस समय में हो सकती है, आपको धन हानि का भी योग जो है सो बन रहा है, परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है।
इसीलिए आपको चाहिए कि आप भी दैनिक रूप से 12 और 13 मई को नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का एक एक माला कम से कम जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुंभ के बाद मीन राशि की चर्चा करते हैं। मीन राशि वालों के लिए जो है सो चंद्रदेव आ जाएंगे सप्तम भाव, जिसके कारण से जो है सो महर्षि कह रहे हैं कि सातवें स्थान में अगर चंद्रमा मीन राशि वालों के लिए आ जाए तो उनके लिए विशेष धन प्राप्ति का योग बनता है, पर्याप्त काम सुख की प्राप्ति होती है, छोटी छोटी यात्राएं लाभदायक होती हैं, वाणिज्य तथा व्यवसाय से भी कुछ लाभ की प्राप्ति होती है, उत्तम भोजन यानी कि बढ़िया खाना बढ़िया पीना का भी सुख प्राप्त होता है, शैया सुख में भी वृद्धि होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, बढ़िया वाहन चढ़ने का योग मिलता है, ख्याति की प्राप्ति होती है। हर मामले में मीन राशि वालों के लिए जो ये समय है दोस्तों बहुत अच्छा रहने वाला है। मीन राशि वालों को किसी उपाय को करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसको अगर सामान्य तौर पे मैं समझा दूं तो सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, दुश्मनों पर में विजय प्राप्त करोगे। सातवीं दृष्टि प्रथम भाव पर में शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग तेजी से काम करेगा, विनम्रता बनी रहेगी, शरीर में बल का एहसास होगा, सब कुछ आपके लिए बड़ा कमाल का सुंदर और बढ़िया जो है सो रहे, हर मामले में आपको बढ़िया लाभ जो है सो प्राप्त होगा। तो देवी और सज्जनों ये है आपका राशिफल 12 और 13 मई का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आप सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में आ गया, सब कुछ समझ चुके, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।